स्टडी फिट एसकेसी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड प्रेस बेल आइकन फॉर नेक्स्ट वीडियो नोटिफिकेशन। थैंक यू। स्टडी विद एसकेसी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत। मैं सुमित कुमार एक बार फिर आप सभी के लिए लेकर आया हूँ भाग 4। आज हम सीटेट, एसटेट, यूपीटेट और आगामी प्राइमरी वैकेंसीज या ऑल कंपटीशन कोई भी हो उसमें मैथ का जो टॉपिक हमारा चल रहा था वो बीजगणित था, और बीजगणित में कुछ क्वेश्चंस हमने कराए थे और कुछ बाकी थे। तो ऑन बेस जो हम भी फार्मूले हमने आपको बताए हैं उन बेस पे हमने कुछ क्वेश्चन जो हैं लिखे हैं जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। तो जैसे पहला क्वेश्चन है हमारा 27 की पावर -2/3 का मान क्या होगा। क्वेश्चन 2 है 64 की पावर -2/3 × 1/4 की पावर -3 का मान निकालना है। और क्वेश्चन नंबर 3 में √(x^4 − √)y^4 का मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाता है (x^5 − x^6) = 4 का मान आपको निकालना है। और फिफ्थ क्वेश्चन है यदि 3 की पावर (x−1) = 81 है तो x का मान आपको निकालना है। तो बारी बारी से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जो स्टूडेंट पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें जिससे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। 27 की पावर -2/3 का मान हम कैसे निकालें। तो देखिए 27 की पावर -2/3 को हम कैसे करेंगे। 27 को हम क्या लिख सकते हैं, ये किस संख्या का घन बन सकता है। स्क्वायर तो नहीं होगा लेकिन घन है। 27 जो है वो 3 × 3 × 3 इट मीन्स 3 का घन 27। तो हमने क्या किया यहाँ पे हम 27 को लिख देंगे 3 की पावर -2/3। ठीक है, 3 की पावर कितनी है 3 और इसकी भी पावर क्या है -2/3। तो ये चीज़ क्या है हमारी गुणा में, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3 × -2/3। 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा तो 3 की पावर कितना हो जाएगा -2। अब हमने आपको बताया था कि किसी भी पावर को अगर माइनस में है उसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं उसके अंश व हर को चेंज करते हैं। तो 3 की पावर -2 को क्या लिख सकते हैं हम 3 की पावर -2/1 यानी √1। तो देखो अंश ये है हर ये है तो इसको ऊपर ले जाओ और इसको नीचे यानी 1/3 की पावर 2। तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब 3 की पावर 2 का मतलब क्या होता है, 3 की पावर कितनी है 2 है तो 3 × 9 तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1/9। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन था ऑन स्क्रीन √(x^4 − √)y^4। तो देखिए यहाँ पे 4 घात है, यहाँ पे भी 4 घात है और स्क्वायर रूट का मान कितना होता है हमने उस दिन बताया था कि किसी भी संख्या पर अगर स्क्वायर रूट है तो उसकी पावर होती है हमेशा 1/2। ठीक है, कितनी होती है 1/2। तो x^4 को हम क्या लिख सकते हैं, पहले इनको तोड़ लो, (x^2)/2। ठीक है, और (y^4) को भी हम क्या लिख सकते हैं, (y^2)/2। तो ये हमने पुट कर दिया, (x^2) को लिखा (x^2)/2 और ये स्क्वायर रूट का मान कितना था (√)-(y^2)/2 × 1/2। 2 से 2 कैंसिल, इससे 1 कैंसिल, तो क्या बचेगा (x^2), यहाँ बचेगा (y^2)। और एक सरसमी का हमने आपको दी थी कि (a^2 − b^2) अगर कहीं पे है तो उसको हम लिख सकते हैं (a+b) × (a−b)। तो देखिए जो भी हमने सरसमी का आपको लिखवाई है उनका यहाँ पे प्रयोग हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3।
एक क्वेश्चन था 64 की पावर -2/3 into 1/4 की पावर -3। तो देखिए 64 जो संख्या है वो किस संख्या का घन है, तो मैंने आपको बहुत सारे घन लिखाए थे फर्स्ट डे ही, तो 64 जो है वो घन था हमारा 4 का, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिखा 4 की पावर 3 की पावर कितना है -2/3 गुणा 1/4 की घात कितना है -3। तो देखिए जब ये गुणा में जाएगा तो कितना आएगा -1/4 की पावर -3 है, तो 4 की पावर कितना हो जाएगा -2 into 1/4 की पावर कितना है -3, क्योंकि पावर पूरे की है तो 4 पे भी जाएगी और 1 पे भी जाएगी, तो 1 की पावर कुछ भी हो तो एजिट रहेगा। अब देखिए 4 की पावर -3 है, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे और इसको बनाने के लिए नीचे, यानी कि 4 की पावर 3 हो जाएगा और नीचे 4 की पावर 2, और 4 की पावर 2 को ऊपर ले जाओ तो 4 की पावर 3 - 2 बराबर कितना आ जाएगा 4, तो आंसर इसका कितना हो जाएगा 4। देखो भाग में पावर जो है अगर आधार समान है तो पावर क्या होती हैं, घटती हैं, घातें घटती हैं, 4 की पावर 3 है और नीचे कितना 4 की पावर 2, तो ऊपर जब ये भाग में है तो भाग में हमारी घात क्या होती है घटती हैं, भाग में आधार समान होने पर आधार समान है तो घात घट जाती है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यदि 3 की पावर x-1 = 81 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बेस क्या बन रहा है 3 और यहाँ पे कितना है हमारा 81, तो हम क्या करेंगे जब ऐसी सिचुएशन होती है तो हम संख्याओं को उसी बेस में तोड़ते हैं जिस बेस में उसका मान दिया है, तो 81 को हमने क्या करा, क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 4, 3 * 9 = 27 + 81, तो हमने लिखा 3 की पावर x-1 = 3 की पावर 4। अब देखिए मैंने एक फार्मूला लिखवाया था आपको, अगर दोनों संख्याएं बराबर है, आधार बराबर है, तो उनकी घातें क्या होती हैं बराबर हो जाती हैं, अगर घात बराबर है तो आधार में संख्या बराबर हो जाती है, ठीक है। तो देखिए बेस बराबर है इन दोनों संख्याओं का, तो ऊपर क्या हो जाएगा x-1 किसके बराबर हो जाएगी 4 के, और -1 इधर जाके क्या हो जाएगा +1, तो 4 में एक जोड़ दिया कितना हो जाएगा 5, तो x का मान हमने क्या निकाल लिया, x का मान निकल गया हमारा 5। एक बार और देखिए, आधार कितना था यहाँ पे 3 था और इसका 81 का हमने क्या कर लिया 3 की पावर 4 में तोड़ लिया, 3 * 9 = 27 + 81, अब 3 3 बराबर है तो घाते क्या हो जाएंगे बराबर, तो x-1 बराबर किसके हो जाएगा 4 के, तो ये -1 इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का, तो 4 में एक जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 5, तो इसका आंसर ये हमारा हो गया। ये लास्ट क्वेश्चन है पांचवा, ये देखिए क्या था, x/5 - x/6 = 4 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ पे लघुत्तम वगैरह कुछ नहीं लेंगे, हम इसको डायरेक्ट ही कर देंगे, 6 की गुणा इसमें करो 6x और 5 की गुणा इसमें करेंगे 5x, 6 और बीच में क्या है माइनस है, तो 6x से 5x का कितना बच जाएगा, तो देखिए ये क्वेश्चन था हमारा x/5 - x/6 = 4, तो x का मान ज्ञात करना है, तो देखिए 6 की गुणा x में करेंगे तो कितना हो जाएगा 6x, 5 की गुणा x में करेंगे 5x, अपॉन क्या दोनों की गुणा कितना हो जाएगा 30 बराबर कितना हो जाएगा 4 के, इसके बटे क्या मान के चलेंगे 1, 6 में से 5 गया कितना बचेगा 1x, अपॉन क्या होगा 30 बराबर
चार बटे एक, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो x बराबर कितना जगह 30 गुणा चार, और 30 की गुणा चार में कर देंगे कितना जगह 120। तो x का मान कितना निकल के आ गया हमारा 120। इस प्रकार हम यही क्वेश्चंस आसानी से कर सकते हैं। मैं आपको जो है 5 क्वेश्चन आपको और दूंगा इसके लास्ट में, तो आपको ये करने हैं और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करना है और उनका आंसर बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।